ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे बड़ी केटी भी कुछ कुछ तो बोलो, आपको अपना रूम पसंद आया? एलएल जी लॉटरी लग गई। बड़े पापा ये सब क्या जरूरत थी? तुमसे किसने पूछा? तुम चुप खड़े रहो, हम अपने बेटे से पूछ रहे, बेटे को पसंद आया ना? थैंक यू बडी। अरे बेटा अगर मुझे पता होता कि इतना प्यारा रिएक्शन मिलेगा तो मैंने तो इससे भी कुछ और कर दिया होता। आपको भी मम्मा पापा जैसे बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ा होगा ना? बड़ी मुझे पता है अपना रूम मिला इजी नहीं होता, तभी तो मम्मा पापा ने कहा है कि अभी टाइम लगेगा। मैं जिद नहीं करूंगा, अभी मैं यहाँ रह लूं। सच्ची ये वाओ डैडी। वाओ एडवेंचर टेंट। कहाँ से ढूंढ रहे? मम्मा कितना अच्छा टेंट है, और उधर देखो मेरा नाम भी लिखा है वीर। शरा जी अब महलों से आई है, शायद हमारे छोटे से घर में आपकी शिकायतों को भी जगह नहीं मिली। सॉरी है जी, आपके लिए और अभीर के लिए कुछ कर नहीं पाया। हमारे घर में बहुत जगह है भैरव जी, अगर वहां शिकायतें नहीं रहती तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। फिर भी अगर आपने ऐसी बात कभी भी की तो यही ससुराल में सबके सामने आपको डांट लगा दूंगी मैं। नहीं नहीं जी, सबके सामने नहीं जी, सॉरी जी। नानू ये वेलकम बेस्ट रूम है। थैंक यू नानू, थैंक यू नानी। यू वेलकम। अरे 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 ऐसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट के तुरंत बाद हमारे कुंवर साहब को तो नींद आ गई है। आज मैं अपने रूम में सो जाऊं प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो तुम बिग बॉय हो। अरे बेटा तू कभी अकेला सोया नहीं, इतने बड़े रूम में डर जाएगा। अरे कुछ नहीं डरेगा, क्यों डरेगा, नानू रहेंगे उसके साथ। बेटा रात भर नानू आपके पास रहेंगे। अरे निक्की जी अपने पापा का तो सोचो, वो क्या ना बड़े पापा जी जब तक ये रात को ऐसे मेरे ऊपर ऐसे टांग वांग लगा के नहीं सोता ना तो मुझे भी नींद नहीं आती जी। ओए निक्की जी तू मतलब रूम मिलते ही पापा को भूल गया? अब मैं बिग बॉय हूँ पापा, आप कब बिग हो गए? अभी तू नानू को परेशान करेगा, चल ना हमारे साथ सो जा। हाँ निक्की जी ऐसा करते हैं, आप रात को हमारे कमरे में सो जाओ, फिर सुबह अपने कमरे में आ जाना यहाँ पे, है ना? आप मेरे बदले मम्मा को पकड़ के सो जाना थोड़े दिन के लिए प्लीज। ARMSH प्लीज प्लीज प्लीज। अभीर तूने अभी कहा था कि तू जिद नहीं करेगा, अब अपने रूम में सोना है कि जिद पकड़ ली तूने? प्लीज मम्मा प्लीज प्लीज प्लीज। अक्षय सोने देना उसे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम्हारे पास तो बरसों से है, नानू नानी को भी तो बच्चे के साथ थोड़ा सा एंजॉय करना तो अच्छा लगता है। तो किससे कहानी सुनो? नानी से या नानू से? दोनों से। ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए अभिनव जी अब चिंता मत करिए, मैं मम्मी के कमरे में सो जाऊंगी, वैसे कुछ ही दिन की बात है। ठीक है जी बिल्कुल, आप आराम कीजिए। ठीक है जी। ओ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है जी, नाश्ता तैयार है जी। ये बड़े पापा जी कल आपने बनाया था ना वो पैनकेक? हाँ जी। ये देसी वाला है और पतंडे। ये हुई ना बात, क्या बात है दामाद जी। ये अंग्रेज ना यहीं से तो लेके गए, वहाँ पैनकेक बोल रहे है तो पतंडे ही। अरे बड़ी मम्मी जी ये लीजिए गरम गरम पतंडे। अरे एक और मम्मी जी ऐसे ऐसे नहीं करिए, खाइए पैनकेक नहीं पतंडे खाइए आज।
अभिनव जी ये आप क्या कर रहे? ससुराल में जमाई परोसेंगे तो हमें पाप लगेगा। अरे कोई पाप आप नहीं लगता जी। रहने दीजिए बड़ी मम्मी जी, वैसे भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ अभी ना और मजा आएगा देखिए जी। भाभी मुस्कान को कोई परेशानी करे। अरे अक्षरा जी लाइए मैं आपकी मदद करूं। अरे अरे नहीं नहीं आप बैठिए जी, आप बैठिए, मैं आज मेरी बारी है। बैठिए 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 बैठिए, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। और जी बेटा जी को इतना मेवा मिल रहा है तो पिताजी को तो सेवा करनी चाहिए ना। और वो कहते हैं कि खाना खिलाने से तुझे पुण्य मिलता है। वो क्या है ना कि ससुराल में खाना खिलाना तो जैसे गंगा नहाना है, है ना मिम्मी जी? वो तो है पर और वैसे भी गंगा नहीं सब बड़ी ठंडी है, तो मैंने सोचा कि यही पुण्य कमा लेता हूँ। अच्छा जी अब वैसे इसमें दालचीनी डाली? हाँ हाँ डाली है। आपको मैं फिर से बनाऊं? नहीं नहीं एक मिनट। खुशबू भी अच्छी आ रही है, टेस्ट भी अच्छा, अच्छा बना अभिनव जी। थैंक यू जी। अरे ये लीजिए, अरे कांगड़ी की चाय तो पीजिए। ये लीजिए लीजिए। मुझे बड़ी के पैनकेक्स चाहिए। Why not? अभी आ जाएंगे। शंभू। अरे निक्के जी क्या कर रहे हो? पता चला शंभू को हमें कसौली ले जाना पड़ा। तो क्या हुआ? वो भी हो जाएगा। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बस अकड़ू बनना होता है। बड़ी ने कहा है कि आज भी हम लोग घूमने जाएंगे। अरे वाह, जाओ जाओ घूमने जाओ। वैसे तो मुझे मिम्मी के बर्थडे की बहुत तैयारियां करनी। केबीबी और एबीबी, कल भी बंक और आज भी बंक। क्या मम्मा? कि बेटा मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मैंने सब देखा है, बस बहुत टाइम से घर को नहीं देखा। इसलिए आप दोनों जाओ उदयपुर घूमो फिरो, मैं तो यही रहूंगी सबके साथ। अरे ओ कैरो भाई जी, ओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए आइए बैठिए बैठिए। अभिनव जी कोई बात नहीं जी, अब खड़े खड़े खा लेंगे। मैं आपको देता हूं ये कांगड़े की चाय। ऑफिस जा रहा हूं, मीटिंग। आज हम एकलिंग जी के मंदिर से स्टार्ट करें। मैं ना मामू के लिए प्रे करूंगा। श्योर बेटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है?